सर्वप्रथम आह्वान करें हम परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो टू 16वें पृष्ठ की 20वीं पंक्ति पर हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को हम ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुव पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं, कहते हैं महायोगी, ऑल्दो शी लीन टू बियर द ह्यूमन लोड, हर वॉक कैप्ट स्टिल द मेजर्स ऑफ द गॉड्स, अर्थ्स ब्रीथ हैड फेल्ड टू स्टेन दैट ब्रिलियंट ग्लास, Unsmeared with the dust of our mortal atmosphere, it still reflected heaven's spiritual joy. कुछ पूर्व के भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर आगे हम चलते हैं। भागवत लीला प्रसंग में व्यक्त स्वरूप में भगवान के लीला सहचर बनकर भाग लेने की प्रक्रिया में सृजित सृष्टि के क्रम विकास को धारण कर विकसित वर्धित होने के लिए परालोक के देव भी सदैव लालायित रहते हैं, यद्यपि कि उनके देवत्व स्वरूप के काल में तो वे अव्यक्त रूप से अजर अमर रहकर ही जीवन यापन करते हैं और भागवत प्रदत्त कार्य संचालित करते रहते हैं, किंतु यदि उन्हें व्यक्त स्वरूप धारण करके धरा पर आना पड़े तो उन्हें भी अपने इस स्थिर अजर अमर स्वरूप पर धरा जगत की देश काल सीमा बंधन से बंध कर ही आना होता है, तभी वे समस्त काल एवं देश के आवरण को ओढ़ कर ही अपराप प्रकृति काल शासित संचालित बनकर क्रम विकास प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार अति विशिष्ट भागवत उद्देश्य की संसिद्धि हेतु परालोकवासिनी सावित्री अपने अजर अमर देश को त्याग कर नश्वरता के प्रदेश धरती पर व्यक्त स्वरूप धारण कर अवतरित हुई थी। अंतर में परमात्मा के दिव्य प्रेम किरण शक्ति धारण किए हुए पूर्ण सचेतन होने पर उसकी समस्त चाल ढाल सोच विचार क्रिया कलाप सब कुछ देवों की गति का अंदाज लिए रहती थी, तथापि बिना काल बंधन से उत्पन्न जगत जीवन की रोग शोक मृत्यु क्रिया के अनुभव से अनुभवित हुए बिना कैसे इस जग की जग के सत्य सत्यवान की काल से रक्षा करके मुक्ति दिलाने की क्रिया में वह काल से संघर्ष रह जूझ सकती थी, जब तक इस शोक और मृत्यु का
उसको थोड़ा भी भान न हो तो उससे कैसे लोहा लेकर वो उससे विजय प्राप्त कर सकती थी। एतदर्थ समूची वैश्विक चेतना संघ एकत्व स्थिति में स्थित सावित्री अब संपूर्ण धरा एवं मानव बोझे को ढोने को ही तो नश्वर मानवों की परालोक वासिनी यह देवी मनुष्य रूप धारण कर नश्वर भूमि पर वह उतरी थी। धरा का नियम तो काल शासित होने की वजह से यही है कि सामान्यतः जो कोई भी जन्म लेता है अस्तित्व में आता है वह अज्ञान एवं अवचेतन से प्रभावित हुए बिना व्यक्त जीवन धारण कर काल शासित बने बगैर जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। यही सामान्यतः जगत एवं जीवन का सत्य प्रचलित है, किंतु सवित पुत्री सावित्री के अति चेतन अवस्था एवं दिव्य प्रेम किरण के अंतर में धारण करके स्वयं परात्पर के अवतरित होकर निवसित रहने के कारण जैसे इस धरा पर सावित्री के रहते काल गति थम सी गई थी, इस कारण उसके पवित्र ज्योतित अंतःकरण का दर्पण सत्ता स्तरों पर नश्वर प्रभाव के रहते हुए भी उसका ज्योतित दर्पण जरा भी अज्ञ एवं अवचेतन से मट मेला न हुआ था तथा मर्त्य जगत की उक्ति के अनुसार जो भी अस्तित्व में आया है वह अज्ञ अचेतन अवस्था काल शासित ग्रसित होकर मृत्यु को अवश्य प्राप्त होंगे। इसके श्वास प्रश्वास भी उसके पवित्र आत्मदर्पण को मट मेला नहीं बना सके थे। भूखी नश्वर सीमित श्वासें सब व्यर्थ बनी थी, प्रयत्नरत तो था ही काल कैसे भी इस शाश्वतता को नश्वरता जीवन के लिए बाध्य कर सके, लेकिन उसका प्रयास अब तक विफल ही था। ऐसे मृत्युलोक में जन्म लेकर भी अजर अमर देश की अधिवासिनी यहाँ भी पूर्ण परात्पर निवसित शाश्वत चेतना के संस्पर्श एवं जीवंत जागृत अनुभूति के रहते मर्त्य वायुमंडल के द्वारा आत्मदर्पण को मट मेले बना देने में अक्षम बने अपरा प्रकृति के क्रियाकलाप एवं काल उसके पवित्र देवोपम स्वर्ग के आनंद को धरती पर सहज सरल भाव से वह प्रतिबिंबित करती थी। स्वर्ग ही जैसे धरा पर उतर आया हो ऐसी आभा ऐसी चमक ऐसा प्रभाव उसका पूरे विश्व ब्रह्मांड पर। स्वर्ग के शाश्वत पवित्र जीवन आनंद धरा पर सावित्री के माध्यम से प्रतिबिंबित हो रहा था। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं।
आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना, जिन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के सत्यों तथ्यों को सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें कि इस प्रकट हुए विचारणा को, भाव को, सूत्रों के मंत्रों की व्याख्या को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराए, ताकि जब जब हमें साधना के ध्रुव पथ पर इस ज्ञान की विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें, कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।